हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ होंगे। आज की वीडियो में करेंगे गाइस सॉफ्ट ब्लैक कलर टून फोटो एडिट। तो गाइस आपको भी इस कलर टून में अपनी फोटो एडिट करना है तो वीडियो को स्किप ना करना, एंड तक देखना। और गाइस मैं आपको इस डिटेल में एडिट करके भी बताऊंगा, बिना प्रीसेट के भी एडिट करके बताऊंगा, प्रीसेट भी दे दूंगा। प्रीसेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जैसे लिंक पे क्लिक करें तो 4 डिजिट का एक पासवर्ड मांगा, पासवर्ड के बिना प्रीसेट डाउनलोड नहीं होगा। तो पासवर्ड मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा। उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं करूँ तो गाइस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे कर देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन के अपडेट्स आपको सब में पहले मिलेंगी और इंस्टा पे जाके फॉलो हो। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपका डाउनलोड ही नहीं है ऐप तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ऑल फोटोज़ पे जाएंगे, उसके बाद गाइस हम सिंपल तरीके से प्रीसेट पे क्लिक कर लेंगे। और गाइस आप प्रीसेट भी देख सकते हैं कि तो ऑसम है। तो गाइस प्रीसेट की कॉपी सेटिंग करेंगे, तीन डॉट्स पे जाएंगे, कॉपी सेटिंग्स पे जाएंगे और इस तरह से मास्किंग पे राइट करके कॉपी सेटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपको कॉपी सेटिंग कर लेना है प्रीसेट की। फिर आप कोई भी एक अपनी नॉर्मल सी फोटो पे ऐड कर लेना है लाइटरूम ऐप में, फिर उसके बाद उसको सिलेक्ट करना है, फिर विंडोज़ पे जाना है, फेस सेटिंग कर लेना है। तो गाइस इस तरह से आपकी फ़ोटो कॉपी पेस्ट करके प्रीसेट की मदद से एडिट हो जाएंगी सॉफ्ट ब्लैक टून में। अब मैं आपको दिखा दूँ, कुछ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा गाइस, जैसे कि ये हाईलाइट, ग्रेन, साइज, शार्पिंग, मास्किंग, डिटेल, नोज़, कलर नोज़ और स्मूथनेस, ये सब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। डिटेल्स से लेके ये सब सारी चीज़ें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको अभी बिना टाइम वेस्ट करे आपको मैं बिना प्रीसेट के एडिट करके बताऊंगा, वो भी पूरे एडजस्टमेंट के साथ पूरे डिटेल में। तो गाइस हमने ये फ़ोटो पे आ गए, सब में पहले आपको कलर्स पे जाना है, ठीक है। फिर कलर मिक्स टूल पे जाना है, फिर उसके बाद जो कलर आपको दिख रहा है स्क्रीन में बैकग्राउंड में वो कलर पर आपको चले जाना है। तो गाइस हम पहले लाइट्स पर जाके पहले एक्सपोजर, ये हम लाइट्स एडजस्ट कर लेते हैं पहले। तो लाइट्स और हाईलाइट्स आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, बस इतना है आपको स्मूथनेस और गाइस इसके ध्यान रखना है। और शेडोज़ को गाइस आपको कम ही मतलब बढ़ा के 20 करना है और कॉन्टेस्ट को आपको 15 कर देना है, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बस ये 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर कलर मिक्स टूल पे जाना है, फिर फोटो में ग्रीन कलर दिख रहा है तो हम ग्रीन को और हाउ को सैचुरेशन को -100 कर देंगे। येलो में भी जाके हाउ को सैचुरेशन को -100 कर देंगे सेम। उसके बाद ब्लू कलर में भी जाके सेम वही करेंगे। पर्पल में जाके हम सैचुरेशन और हाउ को -100 कर देंगे पर सेम। और हम पिंक कलर में भी जाके सेम वैसे कर देंगे। और रेड कलर में भी जाके सेम वही कर देंगे। फिर ऑरेंज कलर में जाके हम वैसा नहीं करेंगे, हम उसको ऑरेंज कलर में जाके इसके सैचुरेशन को हम 5- कर देंगे और हाउ को हम 5- कर देंगे और लुमिनेशन को हम बढ़ा देंगे। मैं गाइस थोड़ा ज़्यादा ही वाइट हो जा रहा है तो हम सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को हम 15 कर देंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 25 कर देंगे सैचुरेशन को। लुमिनेशन को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, आपको जितना लाइट चाहिए फेस पे उतना आप बढ़ा सकते हैं। बाकी गाइस आप इसका विब्रेज बढ़ा देंगे, बैक आके विब्रेज बढ़ा देंगे। इसका सैचुरेशन भी हम हल्का सा माइनस ही रख देंगे, प्लस नहीं करेंगे। इसमें हमको ब्लैक टून चाहिए, सॉफ्ट ब्लैक टून, इसलिए हम इसको माइनस रखेंगे। और गाइस टेम्परेचर को हम 2 कर देंगे और सेकंड वाले ऑप्शन को हम, अगर उस टेम्परेचर बढ़ा रहे तो सेकंड वाले ऑप्शन को हम 4 कर देंगे। फिर उसके बाद क्वालिटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से गाइस सब में पहले हम विग्नेट और फेदर को बढ़ा देंगे। तो गाइस अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। बस इतना ध्यान रखना है कि फ़ोटो सॉफ्ट में एडिट हो, तो डार्क टून ना आए फोटो में, बस इतना ध्यान रखना। बाकी अपने हिसाब से आप यहाँ से कम ज़्यादा करके आप कर सकते हैं। बस यहाँ से क्वालिटी को आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्वालिटी को 20 या फिर 15। बाकी यहाँ से शार्पिंग, मास्किंग, नो कलर नोज स्मूथ और कॉन्टेक्स, डिटेल और स्मूथनेस, ये आपको एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया आपको दिख रहा हूँगा। तो बस इस तरह से आपको कर लेना। आप फोटो में देख सकते हैं सॉफ्ट ब्लैक टून आ चुका है बिफोर एंड आफ्टर। फिर गाइस आप एक और टूल का यूज़ कर सकते हैं, उसका कर्व टूल, कर्व टून का भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें और ज़्यादा सॉफ्टनेस आएंगी फ़ोटो में, वो मैंने किया नहीं, आप कर सकते हैं। आपको अगर मारना है, आपको जानना है कि कर्व टूल कैसे यूज़ किया जाता है तो गाइस मैं वीडियो की लिंक आई बटन पर दे दूंगा, जाके वॉच कर लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कर्व टूल का कैसे यूज़ किया जाता है और कर्व टूल से फ़ोटो कैसे एडिट किया जाती है, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे प्रीसेट का पासवर्ड बताता हूँ। तो गाइस प्रीसेट का पासवर्ड है 2024, सिंपल सा पासवर्ड है, नोट कर लेना गाइस। और प्रीसेट लास्ट में जाके वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद वो प्रीसेट जाके डाउनलोड कर लेना। तो गाइस अब मैं आपको कुछ फ़ोटो पे पेज सेटिंग करके बताऊंगा, जैसे इस तरह की फ़ोटो रही आपकी गाइस तो इस तरह से टून आ जाएंगे आपकी फ़ोटो में।
अगर गाइस इस तरह की फ़ोटो रही, देख सकते हैं गाइस आप फ़ोटो भी पेस्ट करने के बाद इस तरह का टून आएगा आपकी फ़ोटो में, सही लग रहा है गाइस एक तरीके से, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर मस्त लग रही है गाइस। फिर गाइस हम अब बताऊँ था मैं आपको फ़ोटो कैसे सेव करते हो। गाइस फोटो सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं जाना है, हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ, शेयर पे जाना है आपको, सेव टू डिवाइस पे नहीं, नीचे एक्सपोर्ट पे जाना है, यहाँ पे IPG सेलेक्ट करना है। और गाइस क्वालिटी कभी कभार यहाँ पे 90% रहती है, तो आपको 100% करके ही सेव करना है। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे कर देना, और गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर इसी तरह किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।